आदरणीय लोकेश जी, आदरणीय गिरिजा व्यास जी और आप सब आदरणीय बंधुओं, जब कोई संत या मुनि रचनाकार होता है तो सबसे पहली बात उसमें संवेदना जाती है, आदर्श की बजाय संवेदना। और संवेदना का पहला पात्र वही होता है जो सबसे ज्यादा शोषित हो। मैं स्त्री को समाज का पांचवा वर्ण कहता हूं, चार वर्ण के बाद पांचवा वर्ण। और एक अरसे से स्त्री के जहां जहां आदर्श में सम्मान की प्रतिष्ठा है, वहीं व्यवहार में शोषण की भी एक लंबी परंपरा है। और रचनाकार इसके खिलाफ हमेशा रहा है। संस्कृत का पहला अलंकारिक काव्य बुद्ध चरित अश्वघोष का लिखा हुआ, उसमें कवि ने जो वाणी कही है, स्त्री का जिस तरह पक्ष लिया है, वो इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। स्वयं बौद्ध होकर बुद्ध चरित लिखकर उन्होंने एक गोपा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी उनका पक्ष लेते हुए कहा कि जब सूत गौतम बुद्ध को छोड़ के आया तो गोपा ने पूछा कि वो कहाँ गए हैं, तो उसने कहा कि वो धर्माचरण करने गए हैं। तो वो पूछती है कि कुतः स धर्मा, सहधर्मचारिणी को छोड़कर वो किस धर्म का पालन करने गए? भाई वो कौन सा धर्म है जो धर्म सहधर्मचारिणी को छोड़कर पाला जाता है? ये एक एक कवि जो संस्कृत का पहला काव्य लिखता है, अलंकरण युग का पहला काव्य रामायण महाभारत के बाद, वो ये सवाल करता है। तो ये कवि के मूल में। अभी बहन गिरिजा व्यास ने राजस्थान का जिक्र किया, मुझे याद आता है कि राजस्थान का कवि भी कितना पीड़ित है। देखिए आप, यही अंगना, यही देहरी, यही ससुर को गांव, दुल्हिन दुल्हिन टेरते बुढ़िया पड़ गयो नाम। कहां, किस छोटे से घेरे में, किस जगह, किस कैद खाने में वो बंद है, इसका पता उसको खुद ही नहीं। तो संवेदना के माध्यम से एक रचनाकार इसका पता देता है। अभी जो आचार्य जी ने कहा कि लोकेश जी ने भ्रूण हत्या के बारे में एक उपन्यास लिखा और उसके बाद दूसरा नारी की अग्रगति के बारे में लिखा, ये दोनों ही समस्या हमारी जाने गप की समस्या है। आपको एक अपनी ही परंपरा का एक इतिहास थोड़ा सा संकेत देना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत से दो वंश शुरू हुए हैं, चंद्र वंश और सूर्य वंश। हुआ यह था कि श्रद्धा, मनु और श्रद्धा ने एक यज्ञ किया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, और उस यज्ञ में उन्होंने ये कामना की, मनु ये चाहते थे कि पुत्र हो, लेकिन श्रद्धा ये चाहती थी कि पुत्री हो। हमारी परंपरा क्या कहती है, मां की इच्छा होने से वो पुत्री हुई, इला। जब पुत्री हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए। तो उन्होंने वशिष्ठ से, मुनि से कहा और उन्होंने अपनी तपस्या इत्यादि के द्वारा उसको पुरुष बना दिया। अब वो पुरुष तो बन गया स्त्री से, लेकिन स्त्री से बना हुआ पुरुष अधूरा पुरुष ही रहा। उसके बाद एक संयोग घटित होता है। देखिए हमारे पुराण किस तरह रचना करता है और
कैसे विकास करता है मनुष्यता का, उसकी कल्पना कीजिए। मिथक एक अपनी तरह की एक परिकल्पना होती है। तो उसके बाद किसी जगह को गया, ऐसी जगह शिव पार्वती जहां रहते थे उस जगह गया जहां जो भी पुरुष जाता था वो स्त्री हो जाता था। तो वो जो स्त्री से बनाया गया पुरुष था वो फिर स्त्री हो गया वहां जाकर। उसके बाद उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद स्त्री के रूप में उसकी संतान हुई। उसके बाद फिर उसने वशिष्ठ से प्रार्थना की और ये सब किया तो उसको फिर पुरुष बना दिया गया, फिर वो राज करने लगा। लेकिन जब उन्होंने राज्य त्यागा तो पुरुष के रूप में अपने जो तीन संतानें थी उसको राज्य नहीं दिया। सारा राज्य उस वंश का उसने पुरुरवा ने सुद्युम्न ने अपने स्त्री के रूप में जिस पुत्र को जन्म दिया था उसको राज्य दिया और उससे सारा चंद्रवंश चला। सुद्युम्न के बाद पुरुरवा और उसके सारा जो वंश था उसको चंद्रवंश कहते। चंद्रवंश मात्र सत्तात्मक वंश है इस देश, जैसे सूर्यवंश है वैसे चंद्रवंश ये पूरा चलता है। इस तरह बराबर जो रचनाकार हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, उन्होंने परंपरा से स्त्री का पक्ष लिया। महाभारत की एक पंक्ति देखिए कितनी अद्भुत है, नापराधोस्ति नारीणाम नर एव पराध्यते। वो कहती है कि स्त्री का कोई अपराध नहीं होता, अगर अपराधी है तो पुरुष अपराधी। नापराधोस्ति नारीणाम नर एव पराध्यते। ये समाज के सोच और संवेदनशील रचनाकार के सोच में अंतर है, बुनियादी अंतर है। इसलिए अगर ये पूछा जाए कि उन्होंने एक मुनि होते हुए एक स्त्री पर जो दो उपन्यास लिखे हैं वो असल में स्त्री पर नहीं लिखे हैं, कवि की उस संवेदना से प्रेरित होकर लिखे हैं जो संवेदना के पात्र को संवेदना देती है, यही इसमें मुख्य बात है। मैंने संयोगवश पहले उपन्यास प्राप्त था तो उसको पढ़ा और इसमें एक स्त्री का संघर्ष है, दोहरा संघर्ष है। हालांकि एक साहित्य के व्यक्ति के नाते थोड़ी सी मैं इस पे जो जिसको चिकित्सा कहते हैं या जिसकी जिसकी जिसको विश्लेषण कहते हैं वो भी थोड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए कि रचनाएं जब आगे लिखी जाए इसी तरह संवेदनापूर्ण तो थोड़े पाठकों की सम्मति भी उसमें शामिल हो। इसमें एक साथ दो चीजें है, एक तो वो स्त्री भी है और दूसरी अपंग भी है। हालांकि ये दो समस्याएं अलग अलग समस्याएं हैं, अपंग पुरुष की समस्या और अपंग स्त्री की समस्या। अपंगता एक अलग समस्या है। स्त्री तो जन्मतः अभिशप्त है इसलिए अकेले स्त्री होना ही उसका काफी था, लेकिन यहां उन्होंने दो चीजें मिला दी गई है। मेरा ख्याल है कि एक अकेली स्त्री ही ये सब कर सकती थी, क्योंकि इस अपंगता के साथ जो संसार जुड़ता है, क्योंकि वो तो संत हैं हम लोग दुनियादार हैं, और संत उपनिषद लिखता है और कवि कविता करता है, उपन्यास लिखता है, तो इस संसार में ऐसा बहुत कम होता है कि पुरुष की इच्छा के बिना, संपन्न घर के पुरुष की इच्छा के बिना कोई भी अपंग स्त्री उस किसी को ब्याह दी जाए। और जिसके पास बहुत पैसा है उसकी शत्रुता हमेशा सरस्वती से रहती है, तो इसलिए उसको ब्याह दिया गया कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हो गई तो धन और लक्ष्मी और सरस्वती जिनका चिरंतन वैर है ये इस दुनिया में कम स्वाभाविक लगता है।
कि पैसे वाला व्यक्ति किसी की प्रतिभा देखकर अपंग होने के बावजूद उससे विवाह करे, जब तक कि भीतर का कोई ऐसा समर्पण और व्यक्तित्व का ऐसा रचाव न हो कि उससे वो चीज संभव दिखाई पड़े। दूसरी बात यह है कि एक जो समूचा व्यक्तित्व बनता है किसी का, वो व्यक्तित्व इकहरा नहीं होता। एक रचनाकार के व्यक्तित्व में, रचना में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, जो जीवन की घटनाओं में और जीवन की परिस्थितियों में एक पात्र को ढालता है और ढालकर उसका एक अलग तरह से विकास करता है। एक स्त्री अपना संघर्ष करती है, अपने अपंग रहने के बावजूद घर से निकाल दी जाती है, और निकाल देने के बाद फिर वो एक बड़ी उपाधि प्राप्त करती है, फिर एक जज बनती है। ये उसके संघर्ष की एक बिल्कुल सीधी स्पष्ट लकीर है। लेकिन जब उसका ससुर मरते वक्त उसको याद करता है, तो मेरा ख्याल है कि अगर दुनियादार कोई लेखक होता तो वो स्त्री की महत्ता को शायद उसके जाने के साथ और ऊंची करता। क्योंकि कई बार हम अपनी विजय के बाद जब नम्र होते हैं तो वो नम्रता हमारी कठोरता से ज्यादा कारगर होती है। जोशी जी अगर नम्र हो तो ये नम्रता ज्यादा मूल्यवान है, और मेरे जैसा छोटा आदमी अगर नम्र हो तो नम्रता की उतनी कीमत नहीं होगी। तो जब एक कोई व्यक्ति जीवन में ऐसी अर्जित कर लेता है, बड़प्पन अर्जित कर लेता है, महत्ता अर्जित करता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, इतना उदात्त हो जाता है, तब मुनि का आदर्श तो उसको एक सीधी लकीर पर ले जाता है, उसी दृढ़ता पर ले जाता है। लेकिन एक रचनाकार वहां एक लोच पैदा करता है व्यक्तित्व में, जिससे कि झुकने पर उसका व्यक्तित्व और बड़ा हो जाता है।